स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बोल कृष्णा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप तत्काल टिकट या फिर नॉर्मल टिकट निकालते होंगे तो आपको जहां तक है पता ही होगा, आपने देखा होगा कि तत्काल में कैप्चा अलग आता है और जब हम नॉर्मल टिकट निकालते हैं तो उसमें कैप्चा अलग क्यों आता है। तो अभी तक दोस्तों अगर आपको इसका जवाब नहीं मिला तो वीडियो आप पूरा देखें, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियो आती है, मैं किसी को भी मतलब कोई एक हिसाब से देखा जाए तो कोई इलीगल काम नहीं बताता हूँ आप ये काम करें। हालांकि कई बार कुछ हो सकते हैं कि ना चाह के भी कुछ इलीगल काम मतलब निकल जाते हैं लोगों के मुंह से, एक यूट्यूबर के मुंह से अगर देखा जाए, बट मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि जो रेलवे की तरफ से बैन है वो चीज़ें मैं आपको ना दूँ करने की। हालांकि कुछ एक दो ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपके ही मतलब बताता हूँ जो आपके ही फायदेमंद रहती है। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानेंगे तत्काल और नॉर्मल में कैप्चा अलग क्यों होता है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, नॉर्मल मतलब दोस्तों आप जान रहे हैं कि इसकी बुकिंग 4 महीने पहले होने वाली है या फिर इसमें क्राउड बहुत कम रहेगा, तो इसमें मतलब XYZ कैप्चा भी नॉर्मल दे दिया जाता है। पहले के समय में होता था कैप्चा केवल कैपिटल अक्षर में आते थे तो सबको पता रहता था कैप्चा कैपिटल में होगा, जो उनका टाइपिंग रहता था वो पहले से कैपिटल कर लेते थे। अगर लैपटॉप से बुक करें तो कैप्स वाला बटन टैप करके उसको पहले से कैपिटल में कर लेते थे, लेकिन दोस्तों अभी कैप्चा मिक्स में आने लगा है। तो नॉर्मल तक में दोस्तों कैप्चा ठीक रहता है, हमको समझ में आ जाता है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं तत्काल में। तो दोस्तों जैसा आपको पता होगा तत्काल का दोस्तों नाम ही सुनते आपको याद आता होगा, तत्काल मिलना आई मीन सरकारी नौकरी मिलने जैसा एक है, 1 या 2 मिनट के अंदर टिकटें बुक हो जाती हैं पूरी। तो दोस्तों रेलवे इसमें ये चाहती है कि तत्काल में अगर कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई मशीन वर्क कर रहा है तो कैप्चा ना फाइंड कर पाए। दोस्तों जो नॉर्मल कैप्चा रहता है, अगर वो कोई सॉफ्टवेयर है या कोई इलीगल तरीके से उसको फाइंड कर सकता ऑटोमेटिक, लेकिन दोस्तों जो तत्काल रहता है, तत्काल में इसलिए उन लोग कैप्चा ऐसे डालते हैं, आप देखे होंगे कुछ ऐसे मिस्टेक करके डाल देते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको कोई मशीन ना फाइंड कर पाए। क्योंकि तत्काल रेलवे चाहती है कि तत्काल कोई सॉफ्टवेयर वाला ना निकाल पाए, कोई वो ना निकाल पाए, जो पर्सनल यूजर आईडी वाले बंदे हैं या जो आम इंसान है उनको टिकट मिले, इसलिए वो कैप्चा थोड़ा अलग कर देती नॉर्मल के मुकाबले, ताकि वो जो एक मशीन है कोई सॉफ्टवेयर उसको फाइंड ना कर पाए। हालांकि हम और आप अगर टिकट निकालते हैं तो हमको इसी तरीके से समझ में आ जाएगा इसमें ये कैप्चा का उपयोग मतलब किया गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पेमेंट के साथ साथ, पहले कैप्चा हमारे पास अब इमेज वाला कैप्चा आ गया है। तो एक हिसाब से देखा जाए दोस्तों अगर मार्केट में कोई बड़ी से बड़ी सॉफ्टवेयर ये कैप्चा फाइंड कर लेगी जो तत्काल वाला स्टार्टिंग में दिया जाता है लॉगिन करते समय, तो इमेज वाला कैप्चा वो कभी नहीं फाइंड कर पाएगी। इसलिए रेलवे ने सिक्योरिटी को देखते हुए इसको इमेज वाला कैप्चा रख दिया। एक हिसाब से दोस्तों देखा जाए रेलवे ने सिक्योरिटी इसीलिए दी है ताकि कोई सॉफ्टवेयर, कोई इलीगल व्यक्ति या फिर कोई मतलब XYZ, क्योंकि रेलवे को पता है कहीं से भी सॉफ्टवेयर IRCTC के सर्वर पर लग जाते हैं, ताकि वो कैप्चा ना फाइंड कर पाए। क्योंकि जब तक कैप्चा सामने वाला बंदा एकदम प्रॉपर नहीं डालेगा तब तक वो टिकट नहीं बुक कर पाएगा, तब तक वो पेमेंट पेज पे नहीं पहुंच पाएगा। आपको पता होगा कि स्टार्टिंग वाले कैप्चा में हमारे पास टाइम रहता नहीं, कि जो दूसरा कैप्चा आता है आजकल तत्काल टिकट बुक करते समय डायग्राम वाला कैप्चा आता है, और डायग्राम वाले कैप्चे में दोस्तों अगर मैं आपको बता दूँ इंसानों से भी गलती हो जाती है, उनको समझ ही नहीं आते कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हालाँकि कई बार क्या होता है कैप्चा वही आता है, रिपीट आता है। अगर आप बार बार टिकट निकालते होंगे तो आपको पता होगा किसका ये रहेगा रिपीट कैप्चा, और डायग्राम में भी उसमें पूछा जाता है, लेकिन बहुत से लोग जो अनजान रहते हैं उनको नहीं पता है। तो दोस्तों एक हिसाब से सीधी साधा अगर सीधी भाषा में आपको समझा दूँ तो रेलवे इसमें यही चाहती कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई मशीन कैप्चा ना फाइंड कर पाए जिससे हमारे नॉर्मल यात्री हैं उनको टिकट मिले। इसलिए दोस्तों दोनों का कैप्चा अलग आता है। नॉर्मल में सब उसको पता है सीटें ज़्यादा रहती हैं और नॉर्मल लोगों को उसमें टिकट मिल जाता है अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर फाइंड कर सकता है नॉर्मल वाले कैप्चा में, लेकिन जो तत्काल का कैप्चा आता है तत्काल का कैप्चा इसलिए अलग किया जाता है ताकि सबको एक मौका दिया जाए टिकट निकालने के लिए। रेलवे सबको एक समान अपने नज़रिए से समान देखती है, इसलिए वो कैप्चा भिन्न कर देती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चा में उलझे। अगर किसी के पास अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड है और सॉफ्टवेयर है तो कैप्चा में उलझ जाए, और ऐसा ही होता है दोस्तों बहुत से लोग उलझ जाते हैं, उनको नहीं पता चल पाता है। तो दोस्तों इसलिए रेलवे एकदम भिन्न कैप्चा रखी मेरे हिसाब से दोस्तों ठीक रखी है। तत्काल का मतलब ही ऐसा होता है इमरजेंसी, मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में अगर आप कुछ भी लेते हैं, आप कोई भी काम करते थोड़ा बहुत आपको रिक्स उठाना पड़ेगा। तो रेलवे इसमें मशीन सोचती कोई सॉफ्टवेयर ना वर्क कर पाए इसलिए कैप्चा ऐसा रख देती है। और सेम दोस्तों ऐसा होता है जो तत्काल सॉफ्टवेयर रहते हो कैप्चा नहीं फाइंड कर पाते, मतलब ये वाले कैप्चा फाइंड नहीं कर पाते, उनको देख के ही डालना रहता है अगर मैं आपको रियलिटी बता दूँ तो। दोस्तों आशा करता हूँ आप वीडियो में समझ गए होंगे कि नॉर्मल
जब हम ट्रेन बुक करते हैं उसका कैब चालक क्यों होता है और तत्काल कैब चालक क्यों का होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरत बॉय किस्सा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।